पाका ननकाना के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीबात मुकम्मल हो गई। अमेरिका में बसे सरदार तरनजीत सिंह को आबाई गांव देखने की चाह खींच लाई। पुरानी जमीनें देखी, दरो दीवार के साथ तस्वीरें बनाई। उस्मान संद्राना की रिपोर्ट देखिए। साका ननकाना के 100 साल पूरे होने की तकरीबात मुकम्मल हुई। बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन की तकरीबात के बाद दूसरा बड़ा प्रोग्राम भी अख्तिताम पजीर हुआ। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर ममालिक से हजारों सिख यात्री तकरीबात में शरीक हुए। हमारा 100 साल शहीदी साका है, 1921 में शहीदी हुई थी, वो 100 साल शहीदी मनाने के लिए हम इधर आए हैं। पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि यहाँ की हुकूमत ने बड़े इंतजाम किए हुए हैं, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, सारी दुनिया आए और इंतजाम देखें, इस 100 साल में शरीक होकर अपना जन्म जीवन सफला करें। ननकाना साहब में कायम के दौरान साका तकरीबात में शरीक सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की, अपने मुकद्दस मकामात गुरुद्वारों की जियारत भी की, साथ में खूब खरीदारी भी की गई। भारत की जानिब से सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त न मिली। हुकूमत पाकिस्तान और सिख बिरादरी ने इस इकदाम की सख्त मजम्मत की। बड़े अफसोस की गल है कि मोदी ने फिर साढ़े सिंगा इतने आन नहीं दिता। 700 बंद ने आना से उन्हें सानू फर्क नहीं पैंदा, जिते 10,000, 12,000, 15,000 बंदा होएगा उन्हें 700 का फर्क नहीं पैंदा। पर सानू दुख इस चीज़ का है कि वह साढ़े नाल जिस तरह जुलम किसानों नाल भी कर रहे हैं, इस तरह उन्हें हुण भी साढ़े नाल जुलम किए हैं। अमरीका से आए प्रोफेसर सरदार तरनजीत सिंह को अपने घर और जागीरों की याद सताई तो सरदार जी बोटाला सरदार झंडा सिंह जिला गुजरावाला में अपने घर और जागीरों को देखने गांव पहुंच गए। तकसीम हिंद के वक्त उनका खानदान 42 जागीरों का मालिक था। सरदार तरनजीत सिंह कहते हैं कि उनका ये सफर बहुत यादगार रहा, अपने पुराने घर और गाँव को देखने का मौका भी मिला जिसके वो तकसीम हिंद से पहले मालिक थे। मेरा जरा जद्दी पिंड है जो गुजरावाला तो 15 मील तो है बोटाला सरदार झंडा सिंह, तो अजे भी मेरा नाँ ही है जी। तो मैं जी मेरा 5वां या 6वां ट्रिप है पाकिस्तान का, तो जी इतने तो आके बहुत खुशी मिलती है। हर एक सिख नूं ये आस हुंदी है कि जिहड़े साडे गुरु साहिबान पहले सी उन्हें जन्म स्थान पर होके आई। सिख यात्री पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और हुकूमती इकदामात की तारीफ किए बगैर ना रह सके। यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान से मिलने वाला प्यार कभी ना भूल सकेंगे। तकरीबात में शरीक सिख यात्रियों ने दुनिया भर के सिख बहन भाइयों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान बहुत पुरअमन और प्यारा मुल्क है, हम बार बार ननकाना साहब आएंगे, आप भी पाकिस्तान आएं। दीगर खबरें ब्रेक के बाद, रहिए जी के साथ। कोरोना वायरस का खतरा बाहर भी है और घर के अंदर भी, क्योंकि ये दिखते नहीं, इसलिए इनके फैलाव को रोकने के लिए घर को साफ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ नया रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर, जिसका एक्सपर्ट फार्मूला आपके फर्श, फर्नीचर, कपड़ों और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सतहों से करे कोरोना वायरस फैलाने